नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल में। दोस्तों, इस बार जो है एक बहुत ही बड़े से बड़ा जो है क्लैश होने जा रहा है पानी का पानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, दो बहुत ही बड़े से बड़े प्रोजेक्ट और दोनों की जो है हाइपी टॉपी है और दोनों में जो है एक तरफ है जो है सुपरस्टार जो है देवारा मूवी के सुपरस्टार जो है जूनियर NTR और उनके साथ है जानवी कपूर और दूसरी तरफ जो है भाई जो है नागा चेतनिया और इसके अलावा साई पल्लवी। तो दोस्तों, ये जो दोनों मूवीज हैं एकदम जो है एकदम परफेक्ट और क्लास की मूवीज है और दोनों की जो है हाइप भी टॉप की है। तो दोस्तों, इन दोनों को लेके एक हम बहुत ही बढ़िया से डिटेल रिपोर्ट आपसे शेयर करने वाले हैं, जिसमें यार जो दोनों मूवी की जो है हमें एक बराबर जो है टक्कर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो देखने से पहले आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार आपने जो है वीडियो एंड तक देखनी है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मेरे भाइयों और बहनों, यार सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन, सो कर दो ना सब्सक्राइब मेरे भाई। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि जो है जूनियर NTR की मूवी इनिशियली जो है 1 अप्रैल को जो है रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन उसमें जो है कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं, जैसे कि जो है सैफ अली खान की जो है इंजरी हो जाती है, इसके अलावा जो है VFX वगैरह वो सारा काम जो है थोड़ा डिले हो जाता है और जिस वजह से जो है इस मूवी की जो है रिलीज डेट चेंज करनी पड़ी। पहले ये बताया जा रहा था कि भाई इस मूवी का जो है क्लैश हो रहा था भाई जो है अजय देवगन की जो है जो आने वाली जो मूवी सिंघम अगेन और इसके अलावा जो है Pushpa 2 के साथ, लेकिन अभी ये बताया जा रहा था कि भाई इसकी जो है रिलीज डेट उसके बाद जो है दशहरा को जो है रिलीज कर दी गई, क्योंकि यार जो दशहरा की जो डेट है उसमें पहले भी जो है जूनियर NTR को बहुत ही अच्छे से अच्छा जो है प्रॉफिट मिल चुका है और वो उनके लिए एक लकी डे भी है। तो भाई 10 अक्टूबर को जो है ये मूवी जो है इसकी जो है रिलीज डेट फिक्स कर दी गई और ये जो इंडिया का जो है पहला प्रोजेक्ट है जो कि वाटर में हो रहा है कास्ट। लेकिन इसी किस्म का जो एक दूसरा बहुत ही बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी स्टोरी एकदम रियलिटी बेस पे है और ऐसे जो है लाइव और रियलिटी बेसिस पे जो है ऐसे प्रॉब्लम होते हैं और हमेशा होते रहते हैं, और क्योंकि यार जो है समंदर वाला जो रास्ता है यहाँ पे पानी में जो है काफ़ी सारे जो हैं बंदे जो हैं जो कि मछली वगैरह फिशिंग वगैरह जो है करने जाते हैं और इसके अलावा भाई उनके दूसरे भी एडवेंचर वगैरह होते हैं, तो भाई उनकी जो है कश्तियाँ वगैरह जो है कभी ऐसा होता है कि भाई जो है भारत की कश्तियाँ पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं या पाकिस्तान की जो है भारत की तरफ आ जाती है, तो उसमें भाई जो है एक बंदा फंस जाता है और फिर उसका एक बहुत ही बड़े से बड़ा टिपिकल सा प्रोसेस होता है। तो भाई ये जो मूवी कास्ट कर रहे हैं नागा चेतनिया और इसके अलावा साई पल्लवी, क्योंकि यार ये जो मूवी है ये रियलिटी बेस पे है जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं चंदू, और इस मूवी की भी भाई जो है हाइप है बहुत ही है, क्योंकि यार ये जो मूवी एकदम रियलिटी बेसिस पे है और हर कोई जो है इसको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। लेकिन यार दूसरी तरफ है जूनियर NTR जिसकी भाई फैन फॉलोइंग इतनी है कि भाई इनकी मूवीज के लिए जो है तारीख गवाए के भाई जो है इसकी मूवी देखने के लिए भाई एकदम जो है ट्रेनों की लाइन लगी हुई थी भाई, बस नहीं कार नहीं, ट्रेन की बात कर रहा हूँ भाई, लाखों में लोग आए थे इनकी जो है इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग से इनकी मूवी को देखने के लिए। तो भाई अभी इन दोनों मूवीज का जो है आपस में जो है क्लैश हो रहा है, क्योंकि यार नागा चेतन की जो ये जो मूवी है ठंडेल मूवी है ये भी भाई जो है 10 अक्टूबर पे लॉक कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो दोनों मूवीज क्लास की है और दोनों जो है एकदम जो है एक सुपरफिशियल टाइप की मूवी है, और जूनियर NTR की जो देवरा मूवी है वो 2 पार्ट्स में, Part 1 Part 2, और इसके अलावा यार इसी तरीके से नागा चेतनिया की जो मूवी है ये यार एक रियलिटी बेसिस भी है, और दोनों जो है पानी में कास्ट की जा रही है और जो है ये समुद्र पे बनी हुई है, तो यार इनका जो है एकदम जो है ठोस एकदम ढांसू आमना सामना होने वाला है और एक जो है खतरनाक सा क्लैश होने वाला है। वैसे जो है डंकी और सालार का जो क्लैश है वो इसके सामने कुछ नहीं, क्योंकि वो दोनों जो मूवीज थी वो एक दूसरे से थोड़ी इरिलेवेंट थी, लेकिन उनका जो है ठीक ठाक क्लैश हुआ था उसके बावजूद, क्योंकि वो जो है पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के दरमियान क्लैश हुआ था। लेकिन ये जो मूवी है इसमें मसला ये है कि भाई इसमें जो है इसका जो स्क्रिप्ट है इसका जो कंटेंट है वो भी सेम है और सेम ही सिनारियो में आता है, क्योंकि वो वाटर में कास्ट की गई है, तो मतलब एक लेवल का क्लेश ऐसे ही कहा जाता है जिसमें भाई हर तरीके से जो है इसकी जो है हर तरीके से जो है इनका आमना और सामना हो रहा है, हीरोइन को लेके, हीरो को लेके, या दूसरी तरफ अगर स्टोरी को देखे, या मेन जो चीज़ होता है वो कॉन्टेंट होता है, स्टोरी होती है, स्क्रिप्ट होता है, वो ऑलमोस्ट इन दोनों मूवीज का जो है सेम ही टाइप का है, सेम ही इंडस्ट्री मतलब जो है सेम कंटेस्ट में आता है, तो इसलिए भाई दोनों मूवीज की जो है एक दूसरे की टक्कर की मूवी है और दोनों की हाई पे टॉप पे है, और आप जो है इन दोनों मूवीज में से किस मूवी को देखना
पसंद करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी राय भी हमें पता चल जाएगी, हमें भी पता चले कि जो है ऑडियंस जो है वो किस तरफ है, क्योंकि यार दोनों लेवल की मूवी है। तो दोस्तों ऐसी ही हर टाइप की जो है मूवीज़ की न्यूज़ अपडेट्स और रिव्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।